सर, इस समय जो है विश्व हो या भारत हो या कोई भी देश हो, अल्पसंख्यक की समस्या बढ़ती जा रही है। क्या आप राय देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और कुछ देश ऐसे हैं जो हमेशा उनके खिलाफ़ साजिश करते हैं। तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं है कि मुसलमानों को या अल्पसंख्यक लोगों को सताया जा रहा है। ये तो पहले से भी होता आ रहा है, तो अभी भी, लेकिन जिस कंट्री में जहाँ हैं वो अपने कंट्री के साथ वफादार हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं, और लोगों को सोचना भी चाहिए कि इस तरह की घिनौनी हरकत करके कुछ फ़ायदा नहीं है। खास करके वो मुस्लिम कंट्रीज को ज़्यादा तकलीफ दी जाएगी जिनके यहाँ तेल पैदा होता है, और ये आतंकवाद का सीधा संबंध तेल से ही है, क्योंकि अमेरिका, रसिया, चाइना जो भी हैं, जो लोग चाहते नहीं कि कोई तरक्की करे, वो तेल के झगड़े की वजह से ही मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है, क्योंकि उनके पास और दूसरा कोई साधन नहीं है जहाँ से उनको झुका सके। तो वो समझते हैं कि तेल के बाज़ारों पर अगर मेरा कब्जा हो जाएगा तो हम दुनिया में कब्जा कर लेंगे, लेकिन जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो तेल के कारोबार को ना तो छोड़ने वाले हैं, ना उनके यहाँ कोई पैदावार कम हो रही है, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है और उन्हें वो मिला हुआ है। हालांकि जैसा आपने कहा कि मुस्लिम कंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, और बात भी सही है, और जैसे पहले नंबर पर यहूदी आते हैं, उसके बाद में मुस्लिम आते हैं, लेकिन ज़्यादा क्षेत्र मुस्लिम के है विश्व में, लेकिन वहीं पर ही अल्पसंख्यक को क्यों ज़्यादा करके सताया जाता है? उनकी कंट्री उनको नहीं सताती, आप पूरे गल्फ में देख लीजिए, गल्फ वाले खुद उनको नहीं सताते, लेकिन अगर कोई बाहर के जो लोग हैं जो पॉलिसीज बना रहे हैं या जो बदमाशी कर रहे हैं वही तकलीफ देते हैं। और मोस्टली उनकी कोशिश है कि किसी तरह से इस्लामिक कंट्रीज को बदनाम करने की, दूसरे मुल्कों के साथ उनके रिश्ते बिगाड़ने की, क्योंकि उनको उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो जो बदनाम करने वाली लॉबी है यहूदियों की, वो लॉबी हमेशा लगी है, वो कोई आज से नहीं है, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के ज़माने से इस तरह की हरकतें होती आ रही हैं, इसलिए ये कोई नई बात नहीं। लेकिन अब बहुत सारा बदलाव आ रहा है, पहले जैसे बातें नहीं रही। नहीं, इसमें क्या सुधार होना चाहिए कि नहीं? अभी जैसा कि अपने भारत में ही है, जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक का एरिया है, जैसे केरला हो गया, बंगाल हो गया, और भी कई जगह हैं जहाँ पर जैसो गैर मुस्लिमों को सता करके बहू बेटी, यहाँ तक ये भी पढ़ने सुनने को आया है, देखने को भी मिल रहा है कि बहू बेटियों के लेकर अपहरण करके और उनके साथ में जास्ती किया जाता है, इस पर क्या है? नहीं, ये बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको परेशान करने के लिए आरएसएस की लॉबी जो है वो बदमाशी करती है। बहुत सारी चीज़ें ये है कि जब से ये नई सरकार 5 सालों में आई, आरएसएस के काफ़ी अधिकारी अब इस काम में लग गए हैं। तो ये बिल्कुल हकीकत है कि छोटे छोटे जगहों पर जहाँ ताकत कम है वहाँ उनको हैरान करते हैं, लेकिन इस देश के अदालतों में आज भी इतनी दम है कि जब कोई कंप्लेन या कोई चीज़ होती है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। और मैं समझता हूँ कि वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता जो अपने यहाँ रहने वाले लोगों के साथ न्याय न कर सके। तो ये उनके लिए बहुत दुख की बात है कि जिस मुल्क में बड़े पैमाने पर हिंदू सेकुलर हो और वहाँ चंद हिंदू आतंकी संगठन या हिंदू की बदमाशी करने वाले संगठन किसी दूसरे संप्रदाय के लोगों को परेशान करें, क्योंकि इस भारतवर्ष में जो तादाद है सेकुलर हिंदुओं की वो बहुत बड़े पैमाने पर है, और उनकी ताकत से ही पूरा देश संविधान के दायरे में चलता है। तो क्या अल्पसंख्यक को सुरक्षा देना चाहिए? आपका क्या मत है? नहीं, सुरक्षा देना क्या, सुरक्षा देने के लिए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में सबके लिए बनाया है कि जो इस देश का नागरिक है कोई भी धर्म जात का हो, उसे सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसे उसको सुरक्षा दे। लेकिन अगर स्पेशली कहीं अगर किसी को जबरन तकलीफ दी जा रही है तो उस गांव को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वहां के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और प्रोटेक्ट करने से ज़्यादा जरूरी है कि जो लोग शरारत कर रहे हैं या जो बदमाशी कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन्हें जेल भेजा जाए, उन पर मुकदमा कायम हो, जिससे लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास बहाल हो कि भाई हम जिस जगह हैं वहां हम सुरक्षित हैं। सर, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर देश के खिलाफ कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट सुनना नहीं चाहती, कोई भी देश नहीं सुनना चाहता कि हमारे देश के खिलाफ कोई भी कुछ बोले। इस आधार पर कहीं भी कुछ भी बोलने से कोई भी अल्पसंख्यक कतराती है, वहीं भारत में जैसो अल्पसंख्यक को पूरा अधिकार मिलता है, और फिर भी अल्पसंख्यक जैसो कहते हैं कि हम पर जास्ती हो रही है। नहीं, देखिए, भारत में जो अल्पसंख्यक रहता है वो संविधान के दायरे से बाहर नहीं जाता। मैं बहुत बार लोगों से कहता हूँ कि इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को दो ही लोग
कि जवाबदारी है उसे बचाने की, मानने की। एक दलित, चूंकि बाबा साहब ने संविधान लिखा, दूसरे मुस्लिम, मुस्लिम जो है संविधान के दायरे से बाहर कोई बात नहीं करता। आज तक हिंदुस्तान में जितने भी देशद्रोह के मुकदमे आए हैं सब फर्जी हैं। एक इस देश को आज़ादी के 58 सालों के बाद भी आज तक एक भी हिंदुस्तान के मुसलमान के ऊपर कोई राजद्रोह का ऐसा केस नहीं है जिसको कहा जाए कि उसने देश के खिलाफ काम किया हो। यानी ये एक बड़ी बात है कि जो देश में मुसलमान रहता है उसने कभी अपने देश के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। जितने मुकदमात फर्जी तौर पर बनाए गए, अगर वो हाई कोर्ट में टिके तो टिके, नहीं टिके तो सुप्रीम कोर्ट में जाके सभी उड़ गए। आज तक कोई भी आरोपी कन्विक्ट नहीं हुआ। इस देश में एक बम ब्लास्ट को छोड़कर बाकी जितने भी ब्लास्ट हुए उनके किसी भी आरोपी को आज तक सजा नहीं हुई। अगर जबरन उनको सजा देने की कहीं कोशिश हुई तो संविधान के दायरे में जब वो आगे गए तो हाई कोर्ट से बरी हो गए, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तो गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दिया। सारे जितने भी अब तक ब्लास्ट हुए, तो इससे ये लगता है कि साजिश है और सबको दिखता है। सारे हिंदुस्तान के सेकुलर लोग जो हैं वो इसकी आवाज़ भी उठाते हैं, और जितने लोग यहाँ सेकुलरिज्म की आवाज़ बुलंद करते हैं उनका गला दबाने की कोशिश होती है। उसकी बहुत सारे लोगों को मारा, कलबुर्गी को मारा, आपके दूसरे कई पत्रकारों को मारा, जो इम्यूनिटी के लिए जो लोग काम करते हैं इस तरह से लोग उनको सताते हैं। साहब, आतंकवादी एक ऐसी मुद्दा बन गई है आज की तारीख में कि जैसे बहुत सारे आतंकवादी पकड़े भी गए और कई छूट भी गए, लेकिन अभी जो पाकिस्तान और चाइना मिलकर के मसूद अजहर को जो है सो आतंकवादी घोषित नहीं करना चाहते थे, लेकिन लास्ट में करना पड़ा, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं देखिए, ऐसा है कि घोषित करना पड़ा नहीं घोषित करना पड़ा ये तो सब पॉलिटिकल विषय है। सबसे मेन बात तो यह है कि उसी मसूद अजहर को हिंदुस्तान की सरकार, जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उसको जेल में डाला और जेल में ही सड़ रहा था। लेकिन जब अटल जी की सरकार आई, जसवंत सिंह और किस्म के दबाव में आकर उन्होंने उसको छोड़ा, ले जाके कंधार पहुंचा के आए। अपनी गलती को तो मानने को तैयार नहीं होते। अब चाइना के जमाने में जब भी नेहरू जी थे उस जमाने में कैलाश पर्वत की जो इशू था उस वहां तक कब्जा था, आने के बाद चाइना इनको आंख दिखा रहा है। ये चाइना के साथ झूला झूलते हैं, घूमते हैं, तो उसका असर तो पड़ेगा ना। कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि कोई आतंकवाद के मामले में किसी की मदद करे। और ये बिल्कुल गलत है कि आतंकवादी हिंदुस्तान के संगठन में कोई भी मुस्लिम फैमिलीज आतंकवाद को मदद कर रहा है। एक भी घटना आप इस देश में नहीं बता सकते। जितने मुकदमात मैंने आपको बताया कि जितने मुकदमात इस देश में अब तक चले हैं सब में वो लोग बरी हुए हैं, कहीं कोई कन्विक्ट होता नहीं। सर, एक लास्ट में एक बात है कि अल्पसंख्यक हिंदुस्तान में सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। दुनिया के दूसरे कंट्रीज से ज़्यादा अल्पसंख्यक हमारे देश में सुरक्षित है, क्योंकि हम अपनी आवाज़ को अपने संविधान के दायरे में कहीं भी रहकर बुलंद करते हैं। सारी आज़ादी हमारे मुल्क में हमको है, जहां हम चाहते हैं धार्मिक इशूज़ को लेकर कोई भी चीज़ें करने के लिए हमारे लोग तैयार रहते हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। और हर मुल्क में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बदमाशी करने वाले लोग हैं, तो वो अपना बदमाशी करते हैं। हमने हमारे संविधान के दायरे में हमको जितना अधिकार हिंदुस्तान में दिया है दूसरे मुल्क में नहीं है। इसलिए मुसलमान जब पाकिस्तान बन रहा था तो जो लोग मुसलमान यहाँ से गए वो मुहाजिर की तरह आज भी बर्बाद हैं। जो अपने मुल्क में थे, मौलाना आजाद की यादों में थे, जो मुसलमानों की तमाम खानकाहें, दरगाहें, हर चीज़ें आज यही हैं। तो आज सब चीज़ की आज़ादी है, और कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी अल्पसंख्यक से ये कहा जाए। ये वही लोग हैं जिनको देश से कोई लेना देना नहीं है। जो आरएसएस के लोग हैं वही बदमाशी करते हैं कि भाई आप हिंदुस्तान छोड़ दो। कोई सेकुलर हिंदू किसी भी मुसलमान से कभी नहीं कहता कि आप हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, कभी वो नहीं कहता कि आप यहाँ नमाज मत पढ़िए, कभी नहीं कहता कि आप यहाँ मस्जिद ना बनाइए। सारी सुविधाएं हैं, और सबसे ज़्यादा अगर कहीं अल्पसंख्यक इस देश में सुरक्षित है तो हिंदुस्तान में है, दुनिया में। धन्यवाद।